नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आज दिनांक 3 नवंबर को जनपद बाराबंकी के अंतर्गत कोरोना काल से जीतने के बाद रामनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए निकले पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह गोप जी ने पहली बार अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से रूबरू हुए। रामनगर पार्टी कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और कार्यालय पर आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनकर निस्तारण भी किया। आज मंत्री जी ने धुआंधार दौरा करके कार्यकर्ताओं में जोश पैदा कर दिया। श्री अरविंद गोप जी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब 2022 के चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, अब सभी लोग जनता के बीच में जाकर पार्टी की नीतियों की चर्चा करें और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के शासनकाल में कराए गए विकास कार्यों से भी लोगों को अवगत कराएं। साथ ही साथ मौजूदा सरकार की जन विरोधी नीतियों को भी उजागर करें। इस मौके पर उनके साथ सपा अध्यक्ष नसीम कृति, हशमत अली, गुड्डू शीतला सिंह, डॉक्टर सलीम खान प्रमुख, राजन सिंह, जय सिंह यादव, जमशेद इकबाल, शिवबरन यादव, अरुण राजपूत, भावेश तिवारी, प्रदीप शर्मा, गुड्डू लल्लन वर्मा प्रधान, अजय प्रकाश वर्मा, राम समुज यादव, प्रताप यादव, प्रभात शुक्ला, महिला सभा से नाजिया बानो, नसरीन बानो, महनाज बानो, तबस्सुम रोशन, जहां आदि सैकड़ों लोगों ने भी मुलाकात की और पार्टी को मजबूत करने का आश्वासन भी दिया। ब्यूरो चीफ हसन रजा की रिपोर्ट।